मायापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। कुछ दिनों से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि इस गांव में किसी चुड़ैल ने आतंक मचा रखा था। चुड़ैल के आतंक से परेशान होकर गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे थे। एक दिन गांव का मुखिया गांव वालों से बात करता है। अरे इस तरह गांव छोड़कर जाने से क्या होगा, अगर तुम गांव छोड़ दोगे तो कहाँ रहोगे। लेकिन मुखिया जी हम क्या करें, उस चुड़ैल ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, अब तो हमें गांव छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हें गांव नहीं छोड़ना होगा, मैं पास ही के गांव जा रहा हूँ, वहाँ मोटू पतलू नाम के दो दोस्त रहते हैं, वो सबकी मदद करते हैं, मैं उन्हें अपने गांव में लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन मुखिया पास के गांव के लिए निकल जाता है। लगभग 4 घंटे चलने के बाद वो उस गांव में पहुंच जाता है। जब वो गांव में घूम रहा था तो उसे एक आदमी मिलता है, वो उससे बात करता है। अरे भाई इस गांव में मोटू पतलू रहते हैं, उनका घर कहाँ है। फिर वो आदमी उसे मोटू पतलू का घर बता देता है। मुखिया मोटू पतलू के घर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है मोटू पतलू आराम से बैठे हुए हैं। मुखिया को देख मोटू पतलू खड़े हो जाते हैं। अरे आप कौन हो और हमारे घर क्यों आए हो। फिर मुखिया उन्हें अपने गांव में हो रही घटना के बारे में बताता है। मोटू पतलू अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए, अभी आप जाए हम कल आपके गांव आएंगे। फिर मुखिया वहां से चला जाता है। गांव पहुंचकर मुखिया गांव वालों से कहता है, मोटू पतलू हमारी मदद के लिए तैयार हो गए हैं, वो कल अपने गांव आएंगे। अगले दिन मोटू पतलू मायापुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे पतलू सारी तैयारी हो गई है, अब मायापुर चलते हैं और देखते हैं ये मामला क्या है। लेकिन मोटू हम उस चुड़ैल का मुकाबला कैसे करेंगे, आज तक हमने किसी चुड़ैल को देखा ही नहीं। अरे पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। अरे इसमें सोचना क्या, पहले वहाँ चलते हैं और देखते हैं ये मामला क्या है। फिर वो दोनों मायापुर के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय में वो मायापुर चले जाते हैं। मायापुर पहुंचने के बाद वो मुखिया से बात करते हैं। अब आप बताए वो चुड़ैल गांव में कब आती है। वो चुड़ैल रात के समय गांव में आती है, आज की रात आप मेरे घर में सो जाना, रात में वो चुड़ैल गांव में आएगी। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात में वो चुड़ैल गांव में आ जाती है और मुखिया को बाहर बुलाती है। अरे ओ मुखिया तू कहा है घर से बाहर निकल, नहीं तो पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। ये सुन मोटू पतलू की नींद खुल जाती है, वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। मोटू पतलू तुम आ गए, देखो वो चुड़ैल गांव में आ गई है, अब जल्दी चलो और उसे खत्म कर दो। मोटू अब क्या करे, चुड़ैल को कैसे खत्म करे। पतलू तुम्हें तो पता है खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। मुखिया जी अभी आप बाहर जाए और चुड़ैल से कहना कल गांव वाले यहां से चले जाएंगे। फिर मुखिया बाहर जाता है। मुखिया मैंने कहा था ये गांव छोड़ देना, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। चुड़ैल कल हम ये गांव छोड़ देंगे। अगर तुमने कल ये गांव नहीं छोड़ा तो मैं इस गांव को खत्म कर दूंगी। फिर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। मुखिया अपने घर में चला जाता है। अगली सुबह मुखिया मोटू पतलू से बात करता है। मोटू पतलू अब तो ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा, वरना चुड़ैल सबको मार देगी। अरे मोटू अब तो कुछ करना ही होगा। पतलू मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, मुखिया जी आप कुछ समोसे का इंतजाम करवाए, बाकी हम पर छोड़ दो, आज रात चुड़ैल की मुलाकात मोटू से होगी। फिर पूरा दिन बीत जाता है, रात में वो चुड़ैल गांव में आ जाती है। इस मुखिया ने मेरी बात नहीं मानी, अब सभी गांव वालों को मरना होगा। मुखिया मोटू पतलू से कहता है, मोटू पतलू कुछ तो करो वरना वो चुड़ैल सबको मार देगी। अरे अब कुछ नहीं करना है, मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। फिर मोटू समोसे खा लेता है। समोसे खाने के बाद वो बाहर चला जाता है। मोटू चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। मोटू को देख चुड़ैल कहती है, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। अरे मैं मोटू हूँ और डर क्या होता है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद मोटू उस चुड़ैल की धुलाई करने लगता है। मोटू चुड़ैल की बुरी तरह पिटाई कर देता है। अरे मोटू बस करो, मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी और वापस नहीं लौटूंगी। फिर वो चुड़ैल गांव छोड़कर भाग जाती है। अगली सुबह मुखिया मोटू पतलू को धन्यवाद देता है। मोटू पतलू तुम दोनों ने इस गांव को चुड़ैल से बचा लिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, हमें दूसरों की मदद करके बहुत मजा आता है। ठीक है अब हम चलते हैं। फिर वो दोनों अपने गांव लौट जाते हैं।